सिंगल क्लिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ आरबीआई हिमाचल और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आरबीआई से जुड़ी इस इंफॉर्मेशन के साथ। ये है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक सेंट्रल बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया था। इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये मुंबई में है। केंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त आरबीआई के 4 स्थानीय बोर्ड भी हैं जिनका मुख्यालय मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और न्यू दिल्ली में है। इसके साथ स्टार्ट करते हैं अन्य जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये है राजस्थान। ये है इसका जो आंसर है, ये राजस्थान है। और सेकंड जो क्वेश्चन है, किस प्रदेश की सीमा सबसे अधिक 8 राज्यों को छूती है? ये है उत्तर प्रदेश। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? ये लगता है 23 घंटे 56 मिनट और 40.91 सेकेंड। ये वाले क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी शहर पर किस देश के लिटिल बॉय नामक एटम बॉम्ब का प्रयोग किया गया था? ठीक है, जो लिटिल बॉय नामक एटम बम था वो किस देश का था? ये था अमेरिका का। विश्व की ताजे पानी की सबसे ऊंची झील का नाम क्या है? ये है टिटिका झील। चिकित्सा विज्ञान की वो शाखा जिसमें रासायनिक यौगिक से कैंसर जैसे रोगों का उपचार किया जाता है उसे कहते हैं कीमोथेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता कौन थे? ये थे सबीर भाटिया। भारत की आंतरिक सुरक्षा आईबी का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ये है न्यू दिल्ली में। कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध करवाने वाली प्रमुख संस्था राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड मतलब नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1982 को। हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये है कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी प्राकृतिक झीलों के नाम क्या है? मतलब हिमाचल प्रदेश की 2 सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है चंद्रताल और सूरजताल। एशिया का सबसे ऊंचा पुल कंदौर प्रदेश के किस जिला में बना है? कंदौर पुल वैसे बिलासपुर में है पर ये अब रिवाइज हो गया है। जो इसका जो सही आंसर है ये पहले था, अब जो नया पुल बना है उसका नाम है लोंगजियांग ग्रैंड ब्रिज जिसकी हाइट लगभग 950 फीट है। अब ये आंसर पहले कंदौर पुल था, अब लोंगजियांग ग्रैंड ब्रिज है। स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क प्रदेश है, इसे किस नाम से पुकारा जाता है? इसे ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी पुकारा जाता है। हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी मोनाल है तो राज्य पशु कौन सा है? राज्य पशु है कस्तूरी मृग। तो दोस्तों नेक्स्ट है हिमाचल के बारे में कि हिमाचल को आप कितना जानते हैं। पहला क्वेश्चन है, मंडी रियासत का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है मनमोहन सिंह ने। कुल्लू रियासत के संस्थापक निमन में से कौन माने जाते हैं? ये है जी विहंग मणिपाल। किसके शासनकाल में रघुनाथ की प्रसिद्ध प्रतिभा को अयोध्या से कुल्लू लाया गया था? ये लाया था जगत सिंह की। निमन में से मिंजर मेला किस जिला में लगता है? मिंजर मेला लगता है जी चंबा में। धार्मिक महत्व का स्थान श्रीकंड महादेव निमन में से किस जिला से संबंधित है? ये है कुल्लू से। निमन में से किस जिला का क्षेत्रफल सबसे कम है? मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर में सबसे कम क्षेत्रफल है मंडी का।
और मनाली में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? ये किया गया था 1961 को। नेक्स्ट है, किस जिला में एम्स का निर्माण होने जा रहा है? हिमाचल के किस जिले में अभी एम्स का निर्माण होने जा रहा है? ये बिलासपुर में होने जा रहा है। हिंदुस्तान तिब्बत सड़क संजौली टनल, जो संजौली टनल है उसका निर्माण कब हुआ था? ये 1951 और 52 में हुआ था। 1888 में शिमला के कटक पर निर्मित टाउन हॉल का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्या था? हेनरी इरविन ने। हेनरी इरविन। सूतक का संबंध निम्न में से किस रीति रिवाज से है? सूतक का संबंध जो रिलेशन है वो है जन्म से संबंधित। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर किस जिला से संबंधित है? ये मंडी जिला से है। गौरी देवी का टीबा शिखर किस जिले में आता है? ये गौरी देवी का शिखर है, टिब्बा है, ये किस जिले के अंतर्गत आता है? ये आता है चंबा के। पंजाब का उच्च न्यायालय एक पूर्व वायसराय के निवास में स्थित था, उसका नाम है पीटर ऑफ, उसका जो नाम है वो है पीटर ऑफ। नेक्स्ट है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण योजना, इसे मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इस स्कीम्स के, इस योजना के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श विद्या केंद्र बनाया जाएगा जहां पर नवोदय और एकलव्य स्कूल नहीं है, और हिमाचल प्रदेश में टोटल 10 विद्यालय ऐसे स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आदर्श योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में 10 विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। और हिमाचल से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य जो ये है, हिमाचल के किस जिले में धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है? धान का सबसे अधिक उत्पादन होता है कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि काला जीरा प्रदेश के किन भागों में पैदा होता है? ये किन्नौर और लाहौल स्पीति में, किन्नौर और लाहौल स्पीति में पैदा होता है। चुकंदर का बीज उत्पादन प्रदेश के किस भाग में किया जाता है? ये किन्नौर में किया जाता है। चुकंदर कहाँ पे, चुकंदर का जो बीज है वो किन्नौर में उत्पादन उसका किया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार हिमाचल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये है शिमला सिटी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ये मिर्जा हेमदुल्ला बेग थे। हिमाचल प्रदेश के किस भाग में शूलुनी मेले का आयोजन किया जाता है? ये सोलन में किया जाता है। पंगवाल जनजाति हिमाचल प्रदेश के किस भाग में रहती है? जो पंगवाल जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश के पांगी चंबा में निवास करती है। वर्तमान हमीरपुर जिले का क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता था? जो हमीरपुर है, हमीरपुर जब नहीं बना था उससे पहले ये कांगड़ा जिला के अंतर्गत आता था। हिमाचल के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है? ये धर्मशाला में होती है। दम दमा महल हिमाचल के किस जिले में स्थित है? ये मंडी में स्थित है। 21वीं शताब्दी में जन्मा पहला टेस्ट क्रिकेटर कौन है, मतलब सबसे छोटा जिन्होंने अभी डेब्यू किया है? ये है मुजीबुर रहमान, भारत मुजीबुर रहमान। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? जो फर्स्ट सैटेलाइट था इंडिया का उसका नाम था आर्यभट्ट। दी गोल्डन गेट, दी गोल्डन गेट के रचयिता कौन थे? गोल्डन गेट जो बुक थी उसके जो राइटर थे वो थे विक्रम सेठ। भारतीय रेलवे में सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन, ये अभी क्वेश्चन है कि सबसे अधिक लंबाई किस जोन की है? ये उत्तर रेलवे। एक और जानकारी रेलवे से संबंधित कि इंडिया में टोटल 17 जोन है जिसमें सबसे अधिक लंबाई उत्तरी रेलवे की है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये 11 जुलाई को मनाया जाता है।